झारखंड के गौरव नेत्रहाट में आपका स्वागत है। वो तो भाई चलो अब थोड़ा पहाड़ चढ़ने का मजा लेते हैं। कैसा लग रहा है भाई? देखिए क्या कहना चाहेगा बता रहा भाई, कैसा लग रहा है? जो बचपन में ड्राइंग बना रहे थे ना, ऐसे 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 पहाड़ और बीच में नदी, वही वाला पहाड़। पाला माड़ा भी वही पाला माड़ा लेके आया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग हैं, क्या है पता नहीं क्या है, छोड़ो। तो हम जो बोले थे कि हम लोग लॉन्ग राइड पे जाने वाले हैं बहुत जल्द, तो हम लोग आज जा रहे हैं लॉन्ग राइड के लिए। और वो लोकेशन है नेत्रहाट, जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्या बोलते हैं उसको, सनसेट के लिए जाना जाता है। हाँ, सनसेट और सनराइज पॉइंट जाना जाता है। तो हम लोग हैं अभी नीरल और इधर दो कोई हैं विक्रांत फिर सौरभ। तो हम लोग अभी अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं, लगभग हो रहा है 6:00 थोड़ा थोड़ा आगे पीछे। तो चलिए अब निकलते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दूर यहाँ से होगा, लगभग होगा 132, हाँ कितना 162, क्योंकि इधर कोलेबेरा तरफ से 162 पड़ता है और उधर से एक रास्ता है, पर उधर मज़ा नहीं आता है, तो हम लोग सोच रहे हैं इधर जाएंगे। तो चलिए पहले निकलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है और अभी समझ रहे हो ना कितना एडवेंचर होने वाला है, क्या होने वाला, बहुत कुछ होने वाला है। तो बने रहिए एकदम ब्लॉग में लास्ट तक, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है अभी। तो चलिए अभी सिमडेगा में ज़्यादा पकड़ पकड़ नहीं करते और सीधे मिलते हैं आगे जाके, क्योंकि यार सिमडेगा कितना ही देखा हो गया, अब कुछ बाहर चलते हैं तो बाहर का देखें ज़रा। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं कोलेबेरा और मेन रीज़न था रुकने का यहाँ पर कि नाश्ता कर लेंगे, पर यहाँ पर अभी तक कुछ बना ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या ही नाश्ता करेंगे। तो चलिए हम निकलते हैं यहाँ से पहले। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं कोनबीर और यहाँ पर रुक रहे हैं नाश्ता करने के लिए। वहाँ कोलेबेरा में तो मिला नहीं, इसलिए अभी आ गए हैं कोनबीर में। काफ़ी दूर आके मिला है, बहुत दूर आ गए हैं। चलिए ये लोग भी सब भूखे बौरा आ रहा है। ये लोग को देख रहे हो, पूरा लड़कीबाजी करता है सब कोई। सो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, क्या है इडली। सो गाइस, हम लोग का नाश्ता हो गया और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और बाकी है लगभग हम लोग का हो जाना चाहिए 100 किलोमीटर, मेरा ख्याल से 100-110 इतना हो जाएगा। तो अभी इधर का ज़्यादा कुछ सीन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा जाना है, तो इधर ही दिखा देंगे सब कुछ, तो यार बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब एंटर कर चुके हैं सिसई वाला मेन रोड में, और इधर का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कैसा है कैसा है। और जो मौसम साथ दे रहा है ना आज, उसका तो बात ही कुछ और है यार, रोज़ दिन पानी पानी और इधर आज मौसम साथ दे रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस, हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है, अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो यार कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है भाई। देखिए क्या कहना चाहेगा बताना भाई, कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है कैसे लग रहा है भैया? बंद करो क्या? हमको तो मन कर रहा है ना यार कि पूरा का पूरा एक मूवी बना दे यार नेत्रहाट ट्रिप का। भाई सीन देखो सीन, कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा यार, जो मजा आ रहा है बस देखने में मजा आ रहा है, देख के मजे लो मजे। सो गाइस, हम लोग अभी मेन टाउन में है सिसई का, और यहाँ से बाकी है हम लोग का जाना लगभग 80-85 किलोमीटर। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं भाई, पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं यार, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। पाला माड़ा भी वही पाला माड़ा लेके आया है। तो गाइस, ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना बाकी है, 70-80 किलोमीटर बाकी होगा मेरे ख्याल से, और तो 74, तो देख के बता रहा है 74 किलोमीटर एकदम परफेक्ट। तो भाई चलिए अब निकलते हैं यहाँ से सीधे 74 किलोमीटर दूर। जाने मन तो नहीं कर रहा छोड़ के इसको, लेकिन क्या बोलें यार, अभी इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा हम लोग का वेट कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं सीधे। सो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं घाघरा, और यहां से नेत्रहाट बाकी है 56 साइन बोर्ड के अनुसार, उतना बताया गया वहां पे। भाई जिंदगी पहली बार ऐसा लग रहा है ना कि सही चीज़ के लिए पैसा खर्चा के, समझ रहा होगा।
देख रहे हो सामने पहाड़ है, हम लोग अभी उसको गोल गोल किधर किधर घूमते घूमते चढ़ेंगे इसे, हमको लग रहा है, हमको भी पता नहीं है ये कैसा होने वाला है, पर मजा तो बहुत आ रहा है कुल मिला के। तो गाइस आप लोग भी अगर एंजॉय कर रहे हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना। और ये जो ये ट्रक वाला है ना, इसको हमको बहुत गुस्सा लग रहा था, धूल उड़ा रहा है ना सारा तभी से। अरे भाई अभी दोनों का चुम्मा चाटी हो जाता है यहाँ पर। भाई एक बार उधर का सीन देखो यार, क्या लग रहे हैं, जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है यार, हमको अंदाजा नहीं था इतना कुछ हो सकता है बोल के। तो भाई आप लोग बस मजा लो यार, हमको तो कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, बस लग रहा है कि चिल्लाते रहें जोर जोर से, सबको बताएं कि भाई हमको बहुत मज़ा आ रहा है, पर जो बताना है सबको ही बताएंगे, और किसको बताएंगे यार, जो शेयर करेंगे सब आपके साथ करेंगे, इन लोगों के साथ तो शेयर करते ही रहते हैं पर आपके साथ करेंगे वो उसका मज़ा ही कुछ और है। भाई जो देख रहे हैं ना यार, देख देख के ऐसा लग रहा है कि हमको प्यार हो जा रहा है प्रकृति से, ऐसा नहीं होना चाहिए था पर क्या करें, मजबूरी है, मेरा दिल नहीं मान रहा है। और उधर जो हमको ठीक से क्लियर दिख भी नहीं रहा है ना, ऐसे क्या मतलब कुछ नहीं बोल सकते भाई, एकदम स्पीचलेस हो जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पे और एक बार रुके हुए हैं, शायद इसके बाद पेट्रोल पम्प मिले ना मिले, इसलिए यहाँ पे रुक गए हैं, थोड़ा फ्यूल अप करा लेते हैं। हमारे पे तो बाकी है पूरा पूरा ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा ज़रूरत है तेल का, इसमें भी है बहुत सारा, पर थोड़ा सा फ्यूल अप करा लेते हैं ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। सो गाइस फ्यूल अप वगैरह हो गया और अभी निकलते हैं सीधे। हाँ रियल लाइफ में पहली बार देख रहे ऐसा वाला पहाड़, जो बचपन में ड्राइंग बना रहे थे ना, ऐसे 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 पहाड़ और बीच में नदी, वही वाला पहाड़ है ये। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पहाड़ी इलाका में, मतलब कि यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं मेन पहाड़ चढ़ना। तो भाई चलो अब थोड़ा पहाड़ चढ़ने का मज़ा लेते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा रास्ता होने वाला है तो हम पूरा रास्ता को तो नहीं दिखा सकते हैं पर कुछ तो दिखा ही सकते हैं यार। अगर आप लोग आते हो तो यार थोड़ा सा संभल के चलना, क्योंकि यार क्या बोलते हैं इधर थोड़ा सा ट्रक ज़्यादा ही चलता है, तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि अगर तेज चलोगे तो समझ रहे हो क्या हो सकता है। भाई इधर थोड़ा सा ना हमको ठंडा ठंडा फील हो रहा है, इधर का वेदर ही ऐसा लगता है, मतलब इतना ज़्यादा पहाड़ तो समझ रहे हो ठंडा लगना तो नॉर्मल है, और इधर देख रहे हो यार आराम से लगा रहो, इसलिए बोलते हैं भाई यहाँ का लीन वैसा है, मतलब कि टर्निंग जो है ना यार एकदम यू शेप में बना हुआ है। गाइस मिनी वाटरफॉल देख लो उधर क्या है भाई। हेलो गुड मॉर्निंग। अरे चचा बोलो। अरे रे 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 ऐसे वो मन नहीं रहना था भाई, कुछ तो नया था भाई यहाँ पे, टर्निंग ऐसे था ना यार एकदम, मतलब ऐसे घुमा और ऐसे खड़ा कर दो गाड़ी वैसा वाला, देख रहे हो भाई आराम से चलना यार ऐसे टर्निंग में, अपना सेफ्टी और अगला का सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। भाई उधर नज़ारा बहुत मस्त लग रहा है लेकिन कैमरा में दिख नहीं रहा यार, आराम से चल रहे हैं तेज की स्पीड। तू लोग कल के चाय डाले गाइस देख रहा है बहुराया ही लग रहा है, बताओ बहुराया लेकिन गया रे गया तुम लोग। हेलो गाइस यो 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 चाचा भारी प्यार, पता नहीं यार हम क्या चिल्ला रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है अंदाजी का, भाई हमको लग रहा है ना हम पगला गए हैं, एकदम अजीब अजीब आवाज निकाल रहे हैं यार, मतलब जहाँ आए हैं ना उसका खूबसूरती देख के हम पागल हो जा रहे हैं। पूरा ऊपरे है आसमान छूने वाले हैं, आप आदमी लोग पढ़ लिख के आसमान छूता है, हम लोग लग रहे हैं पहाड़ चढ़िए के आसमान छू रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग यार पहुंच गए झारखंड के गौरव नेत्रहाट में, आपका स्वागत है बोल रहे हैं हम लोग को वेलकम करने के लिए खड़ा है यहाँ पे। तो भाई थोड़ा देर यहाँ पर रुकते हैं और पता लगाते हैं रेंट वगैरह, एक दिन रुकना भी तो है यहाँ पे, तो एक बार आगे देख के आते हैं मिलता है तो रेंट, तो देखते हैं कहाँ पे मिलता है कहाँ पे स्टे करेंगे, अभी सब जुगाड़ करना पड़ेगा उसके बाद में आराम से निकलेंगे। सो गाइस हम लोग अपना रेंट ढूंढ लिए हैं और सब सामान सबको छोड़ के आ गए हैं, और अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और देख ही सकते हैं हम लोग कहाँ पर हैं, यहाँ लोग उधर अपने पगला रहा है क्या नहीं कहाँ हो रहा है, देख रहे फोटो शूट चल रहे हैं बहुत भयंकर लजा रहा है लड़का लोग। और कल हम लोग लोथ फॉल जाने वाले हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ पे, तो बताएंगे कैसा लग रहा है कैसा नहीं सब कुछ बताने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।